यार कभी कभी हमारे इंडियन सिनेमा में ऐसी फिल्में आती हैं जो सभी ऑडियंस पर अपनी छाप छोड़ जाती है, और इस तरह की फिल्में सभी ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं। और कुछ टाइम पहले मैंने एक ऐसी ही फिल्म देखी थी जिसका नाम था चंदू चैंपियन, और ये एक बायोपिक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसके अंदर कार्तिक आर्यन ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। और कार्तिक आर्यन की ये फिल्म मुरलीकांत पेटकर के जीवन के ऊपर बनाई गई है, क्योंकि मुरलीकांत पेटकर जो कि बचपन से ही भारत के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर लाना चाहते थे, लेकिन इनके ही सपने के लिए बचपन से ही इनका मजाक उड़ाया जाता था। जिसके बाद चंदू जो अपने सपने को पूरा करने के लिए बचपन से ही अखाड़े जाने लगता है, और फिर एक दिन चंदू उस गांव के अंदर एक कुश्ती के अंदर लड़वा दिया जाता है। और उस अखाड़े में चंदू जो सभी अपने गांव वालों को बताता है कि मैं चंदू नहीं चैंपियन है मैं, लेकिन उस कुश्ती के बाद सभी गांव वाले जो चंदू के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए, और चंदू अपनी जान बचाने के लिए उस गांव से भाग जाता है। और फिर इसके बाद चंदू जो अपने सपने के लिए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि इसके बाद चंदू जो कि फौज के अंदर भर्ती हो जाता है, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए चंदू फौज के अंदर मुक्केबाजी सीखना शुरू कर देता है। और इसके बाद चंदू जो अपने सपने को पूरा करने के लिए टोक्यो ओलंपिक में भी जाता है, और फिर वहां पर जाकर चंदू अपना फोकस खो देता है, जिसके बाद चंदू उस अपने सपने को हार जाता है। और जब मैं इस फिल्म को देख रहा था तब मुझे यह रियलाइज हो रहा था कि कोई कैसे इतनी जल्दी अपने सपने को अचीव कर सकता है, लेकिन फिर पता चलता है कि यहां से तो चंदू चैंपियन का असली स्ट्रगल शुरू होता है, क्योंकि चंदू उस ओलंपिक को हारने के बाद वापस अपनी फौज में आ जाता है, और जहाँ पर वो अपने गुरु से एक और चांस मांगता है अपने सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर आतंकवादी अटैक हो जाता है जिसमें चंदू चैंपियन को 6 गोलियां लग जाती हैं, जिसके काफी लंबे समय के बाद जब चंदू को होश आता है तो उसे पता चलता है कि अब वो चल नहीं पाएगा और अब वो किसी भी काम के लायक नहीं है। और फिर अपनी ऐसी हालत देखकर चंदू का जिंदगी जीने का कोई भी मकसद नहीं रह जाता है, और फिर चंदू सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी चंदू बच जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुछ लोग इतिहास रचने के लिए इस धरती पर जन्म लेते हैं, और ऐसा ही कुछ चंदू की किस्मत में भी लिखा हुआ होता है, क्योंकि वहां पर चंदू से मिलने के लिए उसका गुरु आता है जिसने उसे मुक्केबाजी की ट्रेनिंग दी थी ओलंपिक के लिए। और फिर वो चंदू से कहता है कि तूने अपने सपने को कैसे छोड़ दिया, और उसके बाद चंदू की जिंदगी की असली लड़ाई शुरू हो जाती है। यार कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन एक ऐसी फिल्म है जो आपको यहाँ पर फील होगी, क्योंकि कार्तिक आर्यन की ये फिल्म जो सीधे आपके दिल पर अटैक करती है और हमेशा के लिए आपके दिल के अंदर बस जाती है, और फिर आपको ये फिल्म अपना पक्का वाला फैन बना देती है, क्योंकि इस फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा यूनिक और इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इस फिल्म को देखते वक्त आपको इस फिल्म के एक एक सीन में मजा आएगा, और इसके साथ साथ इस फिल्म के गाने को भी आप मस्त इंजॉय करोगे। और कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म के अंदर जो एक्टिंग की है, सल्यूट है कार्तिक आर्यन, सल्यूट है भाई। तो आप भी अगर अपनी जिंदगी में कुछ बेहतरीन देखना चाहते हैं, कुछ मजेदार देखना चाहते हैं, तो आपको कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म को देखने पर आपको 100% मजा आएगा। और वैसे भी ये एक मास्टरपीस फिल्म है, और मास्टरपीस फिल्मों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप सभी लोग कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन को जरूर देखना, और आपको ये कैसी लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। और इसके साथ साथ इस फिल्म के